दिवाली की रात को दीपक से काजल बनाने का रिवाज सदियों पुराना है। दिवाली की रात को दीपक से बनाया गया काजल आंखों के लिए बेहद ही अच्छा रहता है, जिससे आंखों में होने वाली परेशानियां जैसे आंखें लाल होना, आंखें सूजना या फिर अन्य परेशानी दूर हो जाती है। लोग दिवाली के दिन पटाखे जलाते हैं और उससे निकलने वाला धुआं आंखों में लगने के कारण आंखों में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, जिससे यह काजल लगाने पर यह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुनिए क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित। दीपावली की रात्रि में जैसा कि अनेक बात प्रचलित है और उस रात्रि में पटाखों का भी प्रचलन प्राचीन काल से ही चला रहा है और अब वर्तमान समय में बहुत अधिकता बढ़ गई है। अब एक जो प्राचीन परंपरा हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है, हम भी बचपन से 50-60 साल से देख रहे हैं। हम छोटे ही थे उस समय बचपन में, तो हमारी माताजी भी अपने जो यहां पर हम दीपावली का स्थान होता है पूजा का स्थान, वहां पर एक बहुत अच्छा जो दीपक है उसमें रुई की मोटी बाती लगा करके उसके ऊपर एक छोटा और दिया उल्टा करके किसी प्रकार से स्थापित करके तो उसकी जो ज्योत होती है ऊपर उसका जो धुआं आता है उससे वो काली मां हो जाती है और उस ज्योत में एक शुद्ध पवित्र सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है और उसमें और भी कई अन्य औषधियां कपूर इत्यादि या कोई चीज ऐसी डालते हैं जो आंखों के लिए बहुत ही हितकर होता है। तो जैसा कि कोई भी ये हमारा आंखों का अंजन या ये जो आंख में डालते हैं ना, स्याही भी बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, कि आंख में बच्चे को स्याही डालते हैं, तो वो जो काजल बनता है वह एक तो समय का भी महत्व होता है क्योंकि ये रात्रि होती है अर्धरात्रि ऐसी जो अपनी अमावस्या की, उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है उस समय का। तो वह काजल आंखों में जो प्रदूषण होता है दीपावली के आसपास के दौरान तो उस प्रदूषण से भी मुक्त कराता है, इसीलिए उस काजल को संपूर्ण वर्ष सभी को जो घर में सभी सदस्य हैं उनको या बच्चे को भी छोटे बच्चे को भी लगाते हैं और सबको उसको आंखों में लगाना चाहिए जिससे कि नेत्र ज्योति अच्छी रहे। और यह परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जो हमारी बूढ़ी माताएं थी और हमने बचपन से ही ऐसा देखा है और उसका प्रयोग भी किया है और अनुभव किया है जिससे कि हमारी आंखें अब तक बिल्कुल ठीक हैं। उस काजल से आंखों के क्या क्या किस किन किन दुष्प्रभावों को दूर करता है, जैसे कि पटाखों की प्रदूषण के द्वारा आंखों में लालिमा हो जाती है और जलन भी होती है, इसके अतिरिक्त जो है आंखों में धुंधलापन, पानी आना, ऐसे जो कई दुष्प्रभाव आ जाते हैं तो इस काजल को डालने से यह सभी प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो यह एक आयुर्वेदिक तरीके से जो बनाया हुआ काजल है वह एक केमिकल युक्त नहीं है, अर्थात इसमें कोई केमिकल की मात्रा किसी प्रकार से नहीं होती, इसीलिए इसका लाभ बहुत होता है और आंखों को स्वस्थ बनाता है।